અરવિંદ કેજરીવાલે આજે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી ખાતે જાહેર સભા સંબોધી. કેજરીવાલની આદિવાસી સમાજની ગેરંટી તો મીડિયા સાથે વાત કરતા અશોક ગેહલોતના નિવેદન દિલ્હીમાં વેચાતા દારૂ અને જૂની પેન્શન યોજના અંગે આપી પ્રતિક્રિયા. બોડેલી ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના અરવિંદ કેજરીવાલનો કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં વિશાળ જનમેદનીને સંબોધતા અરવિંદ કેજરીવાલે આદિવાસીઓ માટે ગેરંટી જાહેર કરી. આદિવાસી સમાજ માટે સંવિધાનમાં જે અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તેનું, જેવી કે 5મી અનુસૂચિત લાગુ કરાશે, પૈસા એક્ટને મજબૂત કરવામાં આવશે, જેથી ગામ સભાની તાકાત વધશે, તેમજ જેથી ગામ સભાને સુપ્રીમ બનાવવામાં આવશે અને ટ્રાઇબલ એડવાઇઝરી કમિટીના ચેરમેન તરીકે આદિવાસી સમાજના વ્યક્તિની નિમણૂક થશે. સભા બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા અરવિંદ કેજરીવાલે ગેહલોતના નિવેદન, નવી પેન્શન યોજના, દિલ્હીમાં વેચાતા દારૂના સવાલોના જવાબ આપ્યા. કેજરીવાલે અશોક ગેહલોતના નિવેદનને દુઃખદ ગણાવી રેપના આરોપીને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ એનું જણાવ્યું. જૂની પેન્શન યોજના બાબતે જવાબ આપતા કહ્યું કે નવી પેન્શન યોજનાનો હું બિલકુલ વિરોધી છું. તો ગુજરાતમાં લઠ્ઠાકાંડ અને દિલ્હીમાં વેચાતા દારૂ વિશે કેજરીવાલે ગુજરાત સરકાર ઉપર પ્રહારો કરી કહ્યું કે દિલ્હીમાં કોઈ ઝેરી દારૂ નથી મળતો, અહીં ઝેરી દારૂ મળે છે, નકલી દારૂ મળે છે, ગેરકાયદેસર દારૂ મળે છે, પ્રશાસનની મદદથી ચાલે છે. મોહસિન સુરતીનો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ટુડે, છોટાઉદેપુર. दिल्ली का मुख्यमंत्री आकर उनके पास जा सकता है, गुजरात के मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल साहब वो भी नहीं गए, वो भी किसी. मैंने भी आज अखबार में पढ़ा कि एक ग्रेजुएट लड़का शौचालय के अंदर एक सलून चला रहा है. गुजरात के अंदर बेरोजगारी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है और सरकार रोज़गार देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार का. दिल्ली में हमारी सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिलवाया है और अगले 5 साल के लिए मैंने 20 लाख रोज़गार देने का पूरा प्लान बनाया है. दिल्ली में हमारे पास नियत भी है और हमें करना भी आता है. तो गुजरात के बच्चों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपके साथ मिलके हर युवा के लिए रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे 5 साल में. और जब तक रोज़गार नहीं मिलता, हर युवा को 3,000-3,000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे. इसके अलावा हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, 10 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे. तो रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है, आम आदमी पार्टी रोज़गार बच्चों को मुहैया कराएगी. सर, गुजरात ये छोटाउदेपुर जिले में ने ऐसा कहा कि निर्भया कांड होने के बाद जो फांसी की सज़ा हो रही थी उसके बाद मर्डर की संख्या बहुत सारी बढ़ गई है, ये सही है नहीं? बहुत दुखदायी स्टेटमेंट है उनका, क्योंकि फांसी की सज़ा होनी चाहिए. जो रेप करते हैं उन लोगों को फांसी का प्रावधान होना चाहिए. और मुझे खेद है कि गहलोत साहब ने ऐसी बात कही. ट्राइबल्स के लिए क्या कहें सर? ट्राइबल्स के लिए आज आदिवासी क्षेत्र के अंदर हम आए हैं. आदिवासी क्षेत्र के सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले जो संविधान के अंदर अलग व्यवस्था 5th शेड्यूल किया गया है, उस 5th शेड्यूल को कोई सरकार लागू नहीं करती. गुजरात में हम पहली बार इसको अच्छे से लागू करेंगे. पेसा कानून जो आदिवासियों के लिए है उसको लागू करेंगे. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की बजाय किसी आदिवासी को चेयरमैन बनाया जाएगा. हर आदिवासी परिवार को 300-300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. हर आदिवासी परिवार के बच्चे के लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया जाएगा. हर गांव के अंदर अच्छा स्कूल, जैसे दिल्ली में हमने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छा सरकारी स्कूल बनाएंगे और मोहल्ला क्लिनिक का, गांव के क्लिनिक का इंतज़ाम करेंगे. सबका इलाज मुफ्त हो ऐसी व्यवस्था की जाए. उनको GPF में शामिल किया जाए, GPF में शामिल किया जाए, जो नई भर्ती वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको. अभी CPF दे रहे तो उसके हिसाब से रिटायर्ड होंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा. तो क्या आपकी सरकार बनी तो आप ये GPF इंप्लीमेंट करेंगे? ये आप उसी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की बात. देखिए, इन प्रिंसिपल मैं न्यू पेंशन स्कीम के बिल्कुल खिलाफ हूँ. इसको हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके क्या कोई भी राज्य सरकार अपने स्तर के ऊपर न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लिख के दिया है अपने दिल्ली के कर्मचारियों के लिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू की जाए, क्योंकि दिल्ली में हमारा कंट्रोल नहीं है.
लेकिन क्या राज्य सरकार कर सकती है कोई, इसको थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा। हम प्रिंसिपली न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ हैं सर। यहाँ खेती के जो नुकसान है उसके बाद सरकार ने अभी तक कोई पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया है। देना चाहिए, देना चाहिए। कांड के बाद जाइए गुजरात में कई जगह जिलों में दारू बिकता है, आपने जाहिर सभा में भी ये कहा था, दिल्ली में भी कई जगह छूटछाट मिली हुई, तो यहाँ आपकी सरकार आने के बाद दिल्ली में कोई नकली दारू नहीं बिकती, दिल्ली में कोई जहरीली शराब नहीं बिकती, यहाँ पे जहरीली शराब बिकती है, यहाँ पे नकली दारू बिकती है, यहाँ पे गैर कानूनी दारू बिकती है। ये धंधा किसका है, कैसे चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, प्रशासन की मदद से चल रहा है, तो इसके बेनिफिशियरी कौन है, किन लोगों के पास पैसा जा रहा है इसका? जाहिर तौर पे वो लोग नहीं चाहते कि गुजरात के अंदर सुधार हो।